जैसे क्लास में घुसा ना, सब बच्चे उसको हैप्पी बर्थडे बोलने लग गए। मेरी गाड़ी, मोहित की गाड़ी, स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आए हैं, इसको धक्का लगा के देखते हैं, सेल्फ लेके देखते हैं। स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर स्टार्ट नहीं हुई तो यहीं कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा आज मेरी गाड़ी को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी लगी पड़ी है, समय अच्छा नहीं चल रहा है और ख़राब ख़राब चीज़ें हो रही है, बट ये है मेरी कार और ये है मोहित की कार। और किस्मत अच्छी थी कि स्टार्ट करने पर ना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है। एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है शम्मा का। तो कुछ मेजर इशू तो है गाड़ी में, क्योंकि जब हम लोग घर से आए थे तो मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर आए होंगे और गाड़ी बंद हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हुई। दिन भर नहीं हुई, दिन में बीच में और भी गया था स्टार्ट करने के लिए, नहीं हुई। बट अभी हम लोग आए तो स्टार्ट हो गई, और मैं अभी जो गैरेज जहाँ पे मैं हमेशा अपनी गाड़ी बनवाया था तो वहाँ पर लेकर के आया हूँ। कल जनरल चेकअप करेंगे, और जो भैया जो मेरा गाड़ी वहाँ सरगाँव में खुलवाया था तो वो तो आ नहीं पाए थे उतने दूर से, तो उनको मैं क्या ही बोलूँ, और उन्होंने किसी को भेजा भी नहीं। तो देखते हैं कल यहाँ पे जनरल चेकअप करा के क्या निकलता है गाड़ी में, तो उसके बाद फिर। और सॉरी उन लोगों के लिए जो लोग मेरे गाड़ी ख़राब हो गई है, ख़राब हो गई कि आप ब्लॉग देख के परेशान हो जाते हैं, बट क्या करें, लाइफ में यही चल रहा है तो दिखाना पड़ता है। चलो अभी घर चलते हैं। चलो, ये हमारा इथन आ गया स्कूल, ये इसका स्कूल है, तो इसके लिए चॉकलेट भी दिया हूँ। देखते हैं क्लास में बांटता है या खुद ही खा लेता है। वो जैसे क्लास में घुसा ना, सब बच्चे उसको हैप्पी बर्थडे बोलने लग गए, मतलब वो चिल्ला ही रहे हैं सब लोग, हैप्पी बर्थडे इधर, हैप्पी बर्थडे इधर। पता नहीं कैसे उन लोगों को पता चल गया, और अच्छा था, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि स्कूल के अंदर था ना, तो फिर कहाँ रिकॉर्ड करता। बाकी अच्छा था, इतन भी खुश हो गया। सही है, क्या बोले बेटा? अच्छा, ए फॉर एप्पल दिखाए थे। अच्छा, और क्या सीखे आज? होमवर्क मिला है आपको? हाँ। ओके, आज मैडम मारी? नहीं मारी। मारी। कहाँ मारी बेटा? किधर? कहाँ पे मारी? स्कूल पे मारी? सिर में मारी कि पीठ में मारी? नहीं, सिर पे मारी। कोई बात नहीं बेटा, धीरे से मारी होगी। रुको 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 रुको, मैं निकाल दे रहा हूँ इसको, तो बांध दियो यार। रुको रुको थोड़ा सा, रुको रुको। वो निकल गया है। अरे टाइट मत करो, निकल गया है वो, ढीला करो उसको। ये निकाल पा रहे हो? ये निकल गया, निकाल तो दिया हूँ। चलो मोजा निकालो, चलो मोजा निकालो। तो रात के 12 बज गए थे, 12 बज के 1 मिनट हो गया था, और मैं ईतन को ऐसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे हम लोग, उसको परेशान कर करके, और वो भाग रहा था। एक्चुअली ये वॉइस ओवर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था ना, तो उसके बाद जितना भी ब्लॉग हुआ है सब चीज़ का, हर चीज़ का मतलब वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, माइक ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। ये रात का सीन था, और यहाँ पर मैं इस पर परेशान कर रहा था हैप्पी बर्थडे बोल बोल के, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और फिर हमें उसको ऐसे पता नहीं इतना कुछ बोल रहा था, बहुत लंबा वीडियो हुआ था, लेकिन अब वो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर ये टेक्निकल इश्यूज वगैरह फेस करना होता है। बट रात को 12 बजे मैं उसके साथ ऐसी मस्ती कर रहा था, अच्छा था, और क्या ही बोलूँ। सॉरी ना, आप लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, ये सब वॉइस ओवर ही है ना, तो चलेगा। तो आज का ब्लॉग तो पूरा वॉइस ओवर होने वाला है, इसके आगे का शायद आप लोगों को समझ में ना आए, बट सॉरी रहेगा, अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो। और फिर अगली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हुई थी, फिर मैंने आप लोगों को मतलब ऐसे बोला था कि शम्मा है, और फिर अरे क्या ही बोल रहा हूँ यार। और इथन रेडी हो गया था, उसको नए कपड़े पहनाए थे हम लोग ने स्कूल जाने के लिए, तो फिर यही नए कपड़े हैं उसके, और यहाँ पे फिर हम लोग उसको मतलब मैं उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए गया था।
तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, बट वो स्कूल जा रहा है और उस और फिर हम ईथन के साथ स्कूल से आने के बाद हम थोड़ा सा मार्केट गए थे ईथन के लिए कुछ सामान लेने के लिए, कुछ शॉपिंग का मतलब उसका भी। एक्चुअली बिलासपुर में ठंड आ गई है तो फिर उसके लिए स्वेटर और क्या बोलते हैं यार उसको, इनर वगैरह लेने गए थे ताकि वो सुबह सुबह स्कूल जाए और उसको ठंड ना लगे, तो बस शॉपिंग करने के लिए गए थे। लेकिन ईथन ना इस टाइम सो गया था। हम लोग बाइक से गए थे तो भी पापा तेज़ चलो बोला थोड़ी देर, उसके बाद खुद ही सो गया तो बाइक में भी सो गया वो, क्या ही बोलूँ। और तो उसके बाद हम गए ईथन के लिए गिफ्ट लेने के लिए साइकिल, बट साइकिल ईथन को कुछ पसंद नहीं आई थी। हमने उसको बैठा के भी देखा था कि ये वाला साइकिल ले लो, वो वाला साइकिल ले लो, बट उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसको ना वो छोटी वाली गाड़ी पसंद आ रही थी जो छोटे में चलाते हैं ना, तीन चक्का वाली, वो वाला। तो फिर हम लोग उसको बोल के देखे थे, बट यहाँ पे ये सो गया था। हाँ सो रहा था तो उसको अचानक हम लोग ऐसे उठाए थे तो उठ के देखा ये कहाँ आ गया करके, तो ऐसे उसकी नींद खुली थी। तो उसके बाद फिर तो हम उसको साइकिल वाइकिल दिखाया बट उसको कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर हम लेके नहीं आए उसके लिए साइकिल, बट कल या परसों उसके लिए जाके ले लेंगे। और फिर हम आ गए वापस घर। यहाँ पर इतना अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था ऐसी रेसिंग लगा लगा के, और अच्छा था बहुत सारा। क्या क्या तो बोला था लेकिन अभी वॉइस ओवर में क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है, और अभी तुरंत ये ब्लॉग अपलोड करना है तो कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो बस यही है छोटी छोटी मेमोरीज़ आज की। और ईथन का आज बर्थडे है तो इसका नया कपड़ा तो वैसे ही गंदा हो गया था ऐसे बाहर खेल खेल के, बट रात में उसको नए कपड़े पहना दूंगा। और ये मैं हूँ अविनाश कुजूर, बाइक से आया, हेलमेट पहना तो बाल कैसे भी रहते हैं, हर बार नई हेयर स्टाइल रहती है अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो। बस यही है, अब नेक्स्ट क्या है भाई, मतलब तो हाईलाइट दिखा दे रहा हूँ मैं क्या क्या किया, तो यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज तो माइक ख़राब हो गया था तो सॉरी, बुरा तो लग रहा है, क्या करूँ। और यहाँ पे ना वो बहुत प्यार से बोल रहा था, दादी आ रही है, एहान आ रहा है, दीदी आ रही है, ऐसा करके बोल रहा था। तो आ रहे हैं सभी लोग आ रहे हैं, और इसके बर्थडे में देखता हूँ माइक तो ख़राब हो गया है तो जो नॉर्मल माइक है कैमरा का उसी से मेरे को शूट करना पड़ेगा। और चलो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा तो नहीं लग रहा बट चला लेना आज का ब्लॉग। बाय, गुड नाइट।